इस बार के चुनाव में आगे क्या होगा उस पर बातें होंगी, तभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत तरह का रास्ता खुला हुआ हमारे, तभी चुनाव में हम लोग इनके साथ। लोक समता पार्टी ने NDA को दिया समर्थन। गया 15 अप्रैल आज गया की सम्राट होटल में SP के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी ने अपने पार्टी के तमाम अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में NDA को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में खड़े हम पार्टी के प्रत्याशी सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पूर्ण समर्थन कर विजय बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करना है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मांझी जी चुनाव जीतने के बाद समाज के सभी तबके के साथ साथ अंसारी समाज के भी लोगों का भी उत्थान करेंगे। मोहम्मद अंसारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में राजद ने अल्पसंख्यक के साथ नाइंसाफी की। इस बार अल्पसंख्यकों की आबादी बिहार में 18% है, जबकि यादवों का 14% है। सीट बंटवारे में अल्पसंख्यक को बिहार में मात्र 2 सीट जबकि यादव को 10 सीट दिया गया। इस व्यवहार से हमने यह फैसला लिया। वहीं LSP प्रदेश अध्यक्ष धीरू शर्मा ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी के बातों का समर्थ करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन हम पार्टी के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महागठबंधन एवं अन्य लोगों के साथ भी वार्ता की, लेकिन उस वार्ता में हिस्सेदारी की बात जवाई कि अंसारी और पसमंदाओं को उचित हिस्सेदारी दिया जाए। हम लोगों को भी जो जनगणना आपने कराया जातिगत जनगणना, उसके हिसाब से अंसारी और पसमंदा बिहार में लगभग 13% हैं। वैसे परिस्थिति में हम लोगों का 5-6 लोकसभा सीट बनता है, लेकिन कम से कम 1 से 2 सीट भी हम लोगों को दिया जाए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात को दरकिनार कर दिया गया और बाद में हम लोगों को उलझाया जाता रहा। तब तक क्या हुआ कि NDA के सारे सीट की बंटवारा हो चुकी थी, उसके बाद हम लोगों की वार्ता NDA गठबंधन से हुई। NDA गठबंधन ने कहा कि इस बार तो सीट की बंटवारा हो चुकी है, इस बार आप हमको समर्थन देंगे तो 25 में हम आपको अंसारी और पसमंदाओं को उचित हिस्सेदारी जरूर देंगे। अगर 25 में 5 से 10 अंसारी और पसमंदाओं को सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भेज देते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, और इसी जीत के लिए, इसी हिस्सेदारी के लिए लोकप्रिय समता पार्टी और वसीम नैयर अंसारी साहब अंसारी महापंचायत के माध्यम से अपना पूरा समर्थन NDA को प्रथम फेज में 4 सीट पर कर दिया। पूरा परिचय धीरू शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय समता पार्टी। लोकप्रिय समता पार्टी और अंसारी महापंचायत की ओर से एक मीटिंग माननीय गया के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्री जीताराम मांझी जी के समर्थन में बुलाई गई, जिसमें पूरे गया संसदीय क्षेत्र के हर ब्लॉक से यहाँ लोग मौजूद हुए हैं। और हम लोगों ने पूरे तन मन और धन से माननीय जीताराम मांझी जी को जिताने के लिए यहाँ पे आज पूरे लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोगों ने इस बार NDA को समर्थन करने का ऐलान किया और गया में जीताराम मांझी जी हमारे NDA के उम्मीदवार हैं, पूरी ताकत के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और जो 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा, जीताराम मांझी जी भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। हम लोगों ने NDA को समर्थन इसलिए किया कि आप लोगों ने देखा कि महागठबंधन किस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। पूरे बिहार में मात्र 2 टिकट मुसलमानों को दिया गया और 10 टिकट यादव समाज को दिया गया, यही क्या MY समीकरण है? मुसलमानों की आबादी जबकि 18% है और यादव समाज की आबादी 14% है, तो 18% वाले को 2 टिकट और 14% वाले को 10 टिकट, ये पूरी तरह से मुसलमानों के साथ जब अन्याय हुआ। और दूसरा तरफ जब देखेंगे तो लालू यादव जी ने इस बार अपने घर की 2 बेटियों को भी मैदान में उतारा है। एक मिसा भारती जी पाटलिपुत्र से लड़ रही है, दूसरा रोहिणी आचार्य जी सारण से लड़ रही है। तो पूरे बिहार के 2,37,00,000 मुसलमानों को अपने 2 बेटियों को बराबर में तोड़ने का काम किया है। इसलिए पूरे बिहार में हम लोग इस बार जवाब देने का काम करेंगे। और जिस भाजपा और NDA से आप डराते आए हैं, इस बार हम लोगों ने फ्रंट से भाजपा और NDA का दामन थाम लिया है। जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी होंगे वहाँ वहाँ पूरी ताकत के साथ उनको जिताने का काम करेंगे। क्या पार्टी